हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष कुमार एंड वेलकम बैक टू अर्नर्स पॉइंट। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन इन योर ट्वेंटीज। सो बेसिकली देयर आर मेनी वेज जिनकी मदद से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और उन्हीं में से हम आज की वीडियो में पांच तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, आप ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर मेरी तरह यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बट ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको अर्निंग करने के लिए ढेर सारा टाइम और ढेर सारा एफर्ट लगाना पड़ता है। बट नो डाउट, एक टाइम के बाद आप इन तरीकों से अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप में स्किल और पेशेंस दोनों है तो आप इन तरीकों के साथ जा सकते हो। बट आज की वीडियो में मैं आपको इन तरीकों के बारे में नहीं बतलाने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे तरीकों के बारे में बतलाने वाला हूँ जिन पर आप कम टाइम और कम एफर्ट लगाकर भी एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं उन स्किल्स के बारे में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है फ्रीलांसिंग, मनी मेकिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस जो मदद करती है आपको ऑनलाइन अर्निंग करने में। और साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी वजह से मुझे मिलेगा एक मौका अपने इस छोटे चैनल को ग्रो करने का, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो तरीका नंबर वन जिसकी मदद से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो वो है सेल योर नोट्स ऑनलाइन। अब अगर आप 20 की उम्र के हो तो जरूर एक स्टूडेंट होगे और जरूर अपने स्कूल या फिर कॉलेजेस को नोट्स बनाते होगे। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उन्हीं नोट्स को स्कैन करवाना है और उसे PDF फॉर्मेट में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन जैसे वेबसाइट पर लिस्ट करवा देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि साल भर अपना नोट्स नहीं बनाते हैं और जब एग्जाम के टाइम उन्हें नोट्स की जरूरत होती है तो उन्हें बाय करना प्रीफर करते हैं। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद के नोट्स ही नहीं बनाते हैं तो ये तरीका आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए आप देखिए आगे की वीडियो। द सेकेंड वे टू मेक मनी ऑनलाइन इज बिकम अ लैंग्वेज ट्यूटर। तो अगर आप किसी भाषा में एक्सपर्ट हो, मतलब अगर आप किसी भाषा को अच्छे से बोल लिख या पढ़ सकते हो, और अगर आपको उस भाषा में अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप उस भाषा का लैंग्वेज ट्यूटर बन करके उसे लोगों को सिखा सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स है जैसे कि iTalki या फिर Verbling, जिस पर आप एज अ लैंग्वेज ट्यूटर रजिस्टर कर सकते हो और दो दो तीन तीन घंटे के सेशंस लेकर के लोगों को उस भाषा को सिखा सकते हो और एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ। तो द थर्ड वे टू मेक मनी ऑनलाइन इज बाय सेलिंग योर फोटोज ऑनलाइन, या फिर दूसरे शब्दों में स्टॉक फोटोग्राफी। ऐसा बहुत ही कम ही लोगों को पता होता है कि आप अपनी इमेजेस को सेल करके भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इमेज अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और वह थीम बेसिस पर होनी चाहिए, जैसे कि फेस्टिवल फोटोग्राफी या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि pixi.com या फिर Shutterstock, जहाँ पर आप अपनी इमेजेस को अपलोड करके सेल कर सकते हो। मैंने स्टॉक फोटोग्राफी के ऊपर पहले से ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको यह बताया है कि स्टॉक फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या है या फिर लोग इमेजेस को खरीदते क्यों हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द फोर्थ वे टू मेक मनी ऑनलाइन इज बाय डूइंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि ऑडियो या फिर वीडियो में जो भी चीजें बोली जा रही है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना, और ट्रांसलेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसमें आपको लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेट करने को कहा जा सकता है। मैंने इसके बारे में भी पहले से ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने टॉप वेबसाइट्स को लिस्ट किया है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए बेस्ट है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन इज बाय एडिंग कैप्शन टू द वीडियोस। तो अगर आपने इस वीडियो का कैप्शन ऑन रखा होगा तो आपको नीचे सबटाइटल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो हम इन्हीं सबटाइटल्स को कैप्शंस कहते हैं, और आप इन्हीं कैप्शंस को वीडियोस में ऐड करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपने वीडियोस में कैप्शंस ऐड करवाने होते हैं बट उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो खुद से ऐड कर सके, तो आप उन्हें इस तरह की सर्विस दे करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। इंटरनेट पर आपको ऐसी ढेर सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पर आप कैप्शन एडिंग का काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आई डिजर्व अ लाइक फ्रॉम यू, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।